हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अब आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग का, उन सभी स्टूडेंट के लिए यूनिट नंबर 2 है जो इस सब्जेक्ट की टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मे बी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अगर आपको इनके आंसर चाहिए हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको इनके आंसर भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन 5 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। 5 कौन कौन से तरीके जो आपके टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर बताए हैं उनमें से कोई 5 एंटरप्रेन्योर के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म वुमेन एंटरप्रेन्योर, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन होता है और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बतानी है आपको। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द टर्म सोशल एंटरप्रेन्योर, जो सोशल एंटरप्रेन्योर है उसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वुमेन एंटरप्रेन्योर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है वो बतानी है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस क्वेश्चन में वो बतानी है आपको। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म फैमिली बिजनेस, फैमिली बिजनेस क्या होता है वो बताना है आपको। व्हाट आर इट्स बेनिफिट, और फैमिली बिजनेस के क्या बेनिफिट होते हैं ये बताने हैं। नेक्स्ट, स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली फार्म, अलग अलग कौन कौन से तरीके की फैमिली फार्म्स होती हैं वो एक्सप्लेन करनी है आपको। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ इवोल्यूशन ऑफ फैमिली फार्म इज क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी। फैमिली फार्म का इवोल्यूशन किस तरीके से क्रूशियल है किस चीज के लिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस और सस्टेनेबिलिटी के लिए, इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली बिजनेस, एक फैमिली बिजनेस का क्या स्ट्रक्चर होता है वो बताना है आपको। टेंथ क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन अ फैमिली बिजनेस, एक फैमिली बिजनेस ऑपरेट करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो आपको चैलेंजेस बताने हैं। तो ये आपके 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से में आ सकता है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू।